हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे वासंती नवरात्र में माँ के आगमन और उसके फल की। इस साल 13 अप्रैल दिन मंगलवार से मातृशक्ति की आराधना का महान पर्व वासंती नवरात्र शुरू हो रहा है। वैसे तो माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्र में माँ का आगमन वार यानी दिन के अनुसार अलग अलग सवारियों पर होता है। इसके साथ ही अलग अलग सवारी पर माँ के आगमन का फल भी अलग अलग होता है। तो चलिए जानते हैं कि 13 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू हो रहे वासंती नवरात्र में माँ का आगमन किस सवारी पर हो रहा है और वो कैसा फल देने वाला है। इस संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भाव में तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। अर्थात नवरात्र का पहला दिन यदि सोमवार और रविवार हो तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। नवरात्र का पहला दिन यदि शनिवार और मंगलवार हो तो माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं। नवरात्र का पहला दिन यदि गुरुवार और शुक्रवार हो तो माँ का आगमन डोली की सवारी पर होता है, और नवरात्र का पहला दिन यदि बुधवार हो तो माता नौका यानी नाव पर सवार होकर आती हैं। अब तो हो गया कि माँ का आगमन किस किस दिन किस किस सवारी पर होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग सवारी पर माँ के आगमन का क्या क्या फल होता है। देवी भागवत के अनुसार माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं, उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी आकलन किया जाता है। तत्फलम गजे च जलदा देवी छत्र भंग तुरंग में नौकायाम सर्व सिद्धि स्यात् डोलायाम मरणम ध्रुवम। अर्थात देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो ज्यादा जल बरसता है, घोड़े पर आती हैं तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है, देवी नौका पर आती हैं तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और डोली पर आती हैं तो महामारी का भय बना रहता है। इस साल वासंती नवरात्र 13 अप्रैल दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है, यानी इस साल माता का आगमन घोड़े पर हो रहा है, यानी इस साल माँ का घोड़े पर आगमन पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका से भरा हुआ है। ऐसे में पूरी श्रद्धा के साथ वासंती नवरात्र में माँ की आराधना करें ताकि माँ आपका और जगत का कल्याण करें। जय माता दी।